अररिया जिला उद्दीपिका संघ की महत्वपूर्ण बैठक जिला भर के सैकड़ों उद्दीपिकाओं की उपस्थिति में संघ के संरक्षक अमित पूर्वे की अध्यक्षता में अररिया सुभाष स्टेडियम में संपन्न हुई। अमित पूर्वे ने उद्दीपिका की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री जहां नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं बिहार के 9 जिले में 1200 से अधिक उद्दीपिका की बहाली को बिना कारण बताओ भुखमरी की स्थिति पर छोड़ देना यह नारी सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ खोखला बयानबाजी है। वहीं दूसरी तरफ आज उद्दीपिकाओं की न्यायालय में भी अर्जी दायर किया हुआ है जो न्याय प्रक्रिया से आगे बढ़ रही है। पुनः हर स्त्री ने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए अररिया जिला में उद्दीपिका संघ का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन करते हुए बैठक में उपस्थित सभी के सहमति से रजनी पूर्वे को संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। रजनी पूर्वे संघ के सभी सदस्यों की राय विचार से दीप्ति कुमारी को उपाध्यक्ष, गुंजन कुमारी को सचिव, जूही गजाला को सह सचिव, मीरा कुमारी को कोषाध्यक्ष, सुजाता कुमारी को प्रवक्ता के साथ अररिया जिला के सभी 9 प्रखंडों में प्रखंड प्रभारी मनोनीत किया गया है। नरपतगंज मुन्नी भारती, रानीगंज अर्चना कुमारी, भरगामा बेबी कुमारी, अररिया ननान मंजरी, जोकीहाट बेबी कुमारी, कोसाकांटा प्यारी कुमारी, फारबिसगंज जीना बेगम को प्रखंड प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी लड़ाई को हर स्तर पर जारी रखने की बात कही है। बैठक में मुख्य रूप से निर्माण मंजरी, मुन्नी भारती, रजनी पूर्वे, दीप्ति कुमारी, नीलम कुमारी, कामिनी कुमारी, नीतु कुमारी, सुप्रभात, सुमन कुमारी, रिंकी कुमारी, बबीता कुमारी, आशा कुमारी, पूनम कुमारी, रूही गजाला, रिजला मेहता, प्रीतम भारती, सुजाता कुमारी, रवीना कुमारी, शाह बेबी कुमारी, सरिता कुमारी, पूजा कुमारी, मीरा कुमारी, सुनील कुमारी, प्रिया कुमारी, किरण कुमारी, प्रियंका कुमारी, रुंजन कुमारी, सरिता कुमारी, लवली कुमारी, मोनिक फरहत, परवीन, समीम भानो, सोनी देवी, अर्चना कुमारी, शैलजा सुमन, रूबी कुमारी, रूपम देवी, नीतू कुमारी के साथ साथ सभी उद्दीपिकाओं के अभिभावक में मुख्य रूप से अमित पूर्वे, देवेंद्र गुप्ता, सुरेंद्र मंगरेता, संजय चौधरी, सुमन झा, सरफराज आलम, प्रदीप कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार सिंह, गणेश यादव, शमीम आलम आदि मौजूद रहे। अररिया जिला उद्दीपिका संघ की बैठक है और यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, ये हमारी माता और बहने हैं, और यहाँ जो भी पुरुष है उनके हस्बैंड है, और हम लोग एक साथ बैठ कर करके आज उद्दीपिका का जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इनके साथ जो समस्याएं हैं उन पर बहुत गहरी बात हो रही है, और उसी संदर्भ में अररिया जिला की उद्दीपिका के साथ साथ पूरे बिहार के 9 जिला में उद्दीपिका की जो बहाली हुई थी 2014 में और 2016 में बिना कारण बताओ नोटिस के बाद, इन लोगों का जो नौकरी था उद्दीपिका के एज ए पद, उन्हें निरस्त किया गया, उन्हें रोका गया। जहां एक तरफ बिहार के विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का, वहीं दूसरी तरफ 9 जिला की 1200 प्लस महिलाओं को रोड पर ला करके छोड़ देने का काम करती है। और आज 2016 से आज 2024 तक पूरे बिहार के 9 जिला में से एक अररिया का भी उद्दीपिका आज रोड पर है, और जिनके पास आज के दिन में भुखमरी है, बेरोजगारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अररिया उद्दीपिका संघ की ओर से आवाज के रूप में मैं कहना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री को कि महिला की जहां आप सशक्तिकरण की बात करती उसी दिशा में इनकी जो नौकरी इन्होंने जो आपको अपनी परिश्रमिक एक वर्ष आपके विभाग में दिया है, इन्हें पुनः अपने विभाग में पदस्थापित किया जाए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर इस तरह से आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते रहे आ रहे हैं तो इस पर कोई सुनवाई होने अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, संविधान की अधिकार मिलती है, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, और जब तक मुझे ये चीज प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारी अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। परिचय दीजिए। अमित पूर्वे,